मैनेजमेंट एंड लाइफ लेसन फ्रॉम लॉर्ड हनुमान। हनुमान जी एक भक्त थे, उनका हृदय चीर कर जब उन्होंने दिखाया तो उसमें सीताराम जी थे। उनके हृदय में इम्पोर्टेंस थी भगवान की। अब इन बड़े बड़े लोगों के बारे में हम सुनते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग भारतीय हैं, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं जो इन लोगों के पास अमेरिका में है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने हृदय में भगवान को रख सकते हैं और फिर बढ़ो। मक्खी कहाँ बैठती है और मधुमक्खी कहाँ बैठती है? अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमको क्या दिखता है? हनुमान जी को क्या दिखता था? सिर्फ राम दिखते थे। जो ऑर्डर उनको मिलता था, समुद्र पार कर जाओ, सीता जी के पास पहुंचो, जो ऑर्डर उनको मिलता था उसको पूरा करते थे। हमको जो ऑर्डर मिलता है वो घर में, जो ऑर्डर हमको मिलता है वो, तो देखो बात मानने की आदत डालो। मन करे नहीं करे, काम करना है तो करना है। इस सबक को आज सीख लो। गर्ल्स हैं, मम्मी कहती है जरा मेरा हाथ बटा दे, आज बहुत काम है, मेहमान भी आ रहे हैं। हमसे नहीं होता मम्मी, आप राइज करना चाहते हो जीवन में तो इसको भूल जाओ, हमसे नहीं होता, हम थके हुए हैं, हमको आता नहीं है, ये सब बातें भूल जाओ, लग जाओ, करना है तो करना है। तो उनको ऑर्डर एब्जॉर्ब करना बहुत आसान होता था हनुमान जी को, क्योंकि उनके आइडियल थे राम जी, वो जो कहते थे वो करते थे। अगर आइडिया नहीं है आपके पास, आइडिया नहीं है तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा फिर। अगर हमको कोई ऑर्डर नहीं है हमारे पास तो काम कैसे होगा? कोई ऑर्डर नहीं मिला तो सप्लाई कैसे करोगे? कोई ऑर्डर आता है तभी तो सप्लाई करते हो। आइडिया होना बहुत जरूरी है, और आइडिया के लिए पहले हमको ये चीजें सीखनी होती हैं। हनुमान जी को जब कहा गया संजीवनी बूटी ला सकते हो क्या, तो उन्होंने कोई बहाना नहीं ढूंढा, ये क्या होती है, ये कहाँ मिलेगी, ये कैसे मिलेगी, कैसे रंग की होती है, किस तरह पैदा होती है, पत्ती का रंग बताओ, पत्ती का साइज बताओ, पत्ती का डिज़ाइन बताओ, कुछ नहीं पूछा, चल पड़े, उड़ गए, पहुंच गए पहाड़ पर। आप पहाड़ से फ़ोन कर सकते थे, हेलो राम जी हैं, अच्छा ये पूछना था संजीवनी बूटी होती कैसी है, मैं आ तो गया, यहाँ लाऊँ कैसे, सैंपल तो आपने दिया ही नहीं, मैं तो वापिस आ रहा हूँ। कहाँ होंगी वो जड़ी बूटियाँ, कितना मनोहर स्थल है, जड़ी बूटियों के अद्भुत प्रकाश से जगमग करता है ये, यहाँ तो विभिन्न प्रकार की सैकड़ों जड़ी बूटियाँ हैं, इनमें उन चार जड़ी बूटियों को कैसे ढूंढ पाऊंगा मैं? हनुमान जी को बहाना बना सकते थे, बहुत कठिन है ऐसा कह सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। जब इनिशिएटिव लिया तो काम फिनिश हुआ, काम पूरा हुआ। लोग इनिशिएटिव तो ले लेते हैं पर काम को फिनिश नहीं कर पाते, पूरा नहीं कर पाते। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती, ली जाती है। हनुमान जी ने जिम्मेदारी ली, और कठिन परिस्थिति में लोग या बॉस उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो और रिलायबल हो। हनुमान जी के अंदर अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप, इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी चारों चीज थी जो एक बिजनेस मैन के अंदर होनी चाहिए। या आप कोई काम करना चाहते हो तो आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप, इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ली आपने, हम करके दिखाएंगे, और जब टाइम हो गया, आवाज़ लगी, क्या वो चीज़ तैयार है, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं इसको, क्या वो चीज़ तैयार है, हाँ जी, अकाउंटेबिलिटी मतलब मैं जिम्मेदार हूँ, अगर काम हो गया तो, नहीं हो गया तो हनुमान जी जीते जागते उदाहरण थे।
नहीं समझ में आई संजीवनी बूटी, अब अकाउंटेबिलिटी क्या है? पूछा जाएगा क्यों नहीं लाए? पहाड़ उखाड़ लिया, लो साहब छांट लो। आपने सैंपल तो दिया ही नहीं था, कह सकते थे पूरा पहाड़ उखाड़ लाए और कह दिया छांट लो। तो जीते जागते उदाहरण थे अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप, इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी के। देखो एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। एक बॉस को एक बार एक लड़का आके कहता है, सर आपने मुझे और मेरे दोस्त को एम्प्लॉय किया था, मुझको 5,000 मिल रहे हैं, उसको 8,000, ऐसा क्यों? तो बॉस कहते हैं, क्या करके दिखाऊं या वैसे ही बताऊं? तो कहता है, सर करके दिखा दीजिए। बोलते अच्छा ठीक है, देखो डॉक पर हमारा शिप आया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है शिप आया हुआ है, तुम पता करके आओ शिप आ गया क्या। ठीक है सर, जाता है पता करके आ जाता है। यस सर शिप आ गया है। अच्छा हमारा माल आया उसमें? कितने का आया है, कितना बिल है, कब तक अनलोड होगा, कब मिल जाएगा, कब हम उसे उठा लें, कितने पैसे भेजने? बोला सर ये तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा ठहरो यहीं खड़े रहो। उस दोस्त को बुलाया, तुम जरा जाकर पता करके आओ शिप आ गया क्या हमारा जो आना था। ठीक है सर, गया। थोड़ी देर लगी, 10 मिनट ज़्यादा, आ गया। यस सर शिप आ गया। अच्छा हमारा माल आया उसमें? जी आ गया। अच्छा उसका बिल, ये कॉपी ले आया हूँ सर, कॉपी भी ले आया उसके बिल की, इतने का बिल है, इतना पैसा भेजेंगे, माल अनलोड हो चुका है, हम उठा सकते हैं। तो क्या हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? हमको काम दिया गया, मार्केट से जरा पूछाओ ये चीज मिल रही है, हम गए पूछ कर आ गए मिल रही है, कितने की थी, कितनी वैरायटी थी, 3 वैरायटी थी, चौथी वाली वो कह रहा है मैं मंगा के दे दूंगा 2 दिन में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कुछ लोग करके दिखाते हैं, कुछ लोग होते हुए देखते हैं, हो रहा है हाँ ये कर रहा है, ठीक है यार कर यार कर यार। कुछ लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कर कैसे रहा है, ये क्या हो रहा है। तो हम किस श्रेणी में हैं, करके दिखाते हैं या होता हुआ देखते हैं? कुछ लोग जब कंपनी ज्वाइन करते हैं तो पूछते हैं तनख्वाह कितनी मिलेगी, यहां पर चलती किसकी है। कुछ लोग करके दिखाते हैं, उनको जॉब मिल जाए वो ज्वाइन कर लेते हैं, करके दिखाते हैं, तनख्वाह अपने आप बढ़ती चली जाती है। अपनी वैल्यू हम खुद क्रिएट करते हैं। बाजार में 3 चीज बिकती है, 10 रुपए की, 15 की, 20 की, क्यों? और जिस पर जो लिखा होता है हमको वो देना पड़ता है। कुछ लोग करके दिखाते हैं, कुछ लोग होते हुए देखते हैं, कुछ हैरान हो जाते हैं क्या हो रहा है। आप अपने आप को ताकत दें, एक्सक्यूज नहीं, बहाने मत बनाओ, काम को मत टालो, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं, करके दिखाओ। सब चीज सुननी होती है ना, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, धीरे धीरे समझ में आता है, फिर धीरे धीरे हमारी चाल तेज होती है। हालांकि दिल्ली जाओ तो ट्रेन से उतरते ही चाल तेज हो जाती है, क्योंकि पीछे से धक्का पड़ रहा होता है। पर वो उदाहरण दूसरा है, हमारा उदाहरण दूसरा है। हम सारी बातों को समझें और धीरे धीरे करके राइज करते चले जाएं। गुरु भगवान के शुक्राना।